वारिस पंजाब के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑपरेशन अमृतपाल शुरू होने के 23 दिन बाद अब उस पप्पलप्रीत को पुलिस ने धर दबोचा है जिसे अमृतपाल की परछाई माना जा रहा था। इसके साथ ही अब अमृतपाल की गिरफ्तारी की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें वे अपने चेहरे को ढके हुए हैं। अमृतपाल के इस खास सहयोगी की पंजाब पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पप्पलप्रीत का एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें वो पंजाब पुलिस की हिरासत में दिखाई दे रहा है। पुलिस अफसरों के साथ वे कदम से कदम मिला रहा है। हालांकि उसका चेहरा पूरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद उसकी मस्त मौला चाल साफ नजर आ रही है। पप्पलप्रीत ने एक शॉल ओढ़ रखी है, उसका चेहरा भी पूरी तरह से शॉल में छिपा हुआ है। पंजाब पुलिस के 3 अधिकारी पप्पलप्रीत के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। अमृतपाल के सबसे खास पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी माना है। अब अमृतपाल के लिए भी छिपना आसान नहीं होगा। पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल और पप्पलप्रीत आखिरी बार देखे गए थे। एक गुरुद्वारे के सीसीटीवी फुटेज में दोनों नजर आए थे। माना जा रहा है कि यहां दोनों पुलिस को चकमा देने के बाद अलग अलग रास्ते पर निकल गए। सूत्रों के मुताबिक पप्पलप्रीत ने एक महिला से किसी गांव का रास्ता भी पूछा और आगे बढ़ गया। वहीं अमृतपाल का सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने एक एनआरआई को भी अमृतपाल की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने पप्पलप्रीत को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल के लगातार वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, लेकिन हर बार चकमा देकर फरार हो जाता है। उसके यूपी के पीलीभीत स्थित एक गुरुद्वारे में भी पहुंचने की खबर मिली थी। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली और फिर पंजाब के होशियारपुर में उसके छिपने की खबरें मिली। अजनाला थाने के बाहर हिंसक टकराव के बाद अमृतपाल सुर्खियों में आया। इसके एक साथी लवप्रीत तूफानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए अभियान छेड़ दिया था। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव से भाग निकला और फिर उसके बाद लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।